आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। और जब ये बात करते हैं तो आज मैं सुन रहा था रोहिंग्याओं की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने दो सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो ये कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है देश में, सबसे ज्यादा लोग बसाए हैं और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में। भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आपने बसाया है जगह जगह और वहां इनका प्लान ये है, पूरी स्क्रिप्ट रहती है। आज ये बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां यहां बसाए हैं, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहां होने वाले हैं। रोहिंग्याओं को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट लग के खुद ही बसाया है सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम घोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े की बात करो, स्कूल अस्पताल भूल जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स दे रही है देश को कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े पे बात करो, गुंडई पे बात करो, लफंगई करो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। तो पहला सवाल तो ये कि कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी कहाँ कहाँ बसाए, ये भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे और हम बता देंगे। देखो वहां वहां आपको ट्रैक समझ में आ जाएगा, जहां जहां इन्होंने बसाए वहीं वहीं जाके यही लोग खुद झगड़े कराते हैं वहां पे। दूसरा, आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया, जिनके कार्यकाल में, जिनके राज में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बने। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है नगर निगम में, आज नगर निगम बुलडोजर लेके चला है, 15 साल से बसाने का काम कर रहे थे, आज 15 साल की कमाई को, 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिली भगत से बुलडोजर, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहां पे किए गए, इलीगल ऑक्यूपेंसी की गई, आज उसको हटाने का ड्रामा कर रहे हो। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन नेताओं के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा भारतीय जनता पार्टी के, जिनके राज में पिछले 15 साल में बीजेपी के शासन में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहां पे हुए, जिनकी मिलीभगत से, जिनके पैसा खाने से यहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए। इन दोनों सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने ही पड़ेंगे। थैंक यू। नहीं, कोर्ट ने, देखिए कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने आज उसको स्टे दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस ड्रामे पे मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये गुंडई की राजनीति क्यों छेड़ रखी है आपने पूरे देश में? आज 21वीं सदी में भारत का युवा चाहता है कि देश में पढ़ने लिखने की बात हो, आईटी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी केवल या तो गुंडई कर लो, आप जितनी गुंडई करके आओगे हम उतना बड़ा सम्मान आपको दे देंगे, इस पे लगी हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि पिछले 15 साल में जिन लोगों के कार्यकाल में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां हुए, उनके नेताओं के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने पिछले 15 साल में नगर निगम में रह के पैसे खा के
इस तरह के इलीगल एंक्रोचमेंट करवाए, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा ये बताया जाए, उन लोगों की काली कमाई से बने हुए मकानों पे बुलडोजर चलवाइए, तब मानेंगे आप गड़बड़ के खिलाफ। मैं सवाल उठा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पे कि क्यों इस देश के डिस्कोर्स को गुंडई में झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या इस देश को 21वीं सदी में एजुकेशन की बात नहीं करनी चाहिए, अस्पताल की बात नहीं करनी चाहिए? आज दुनिया आईटी की बात कर रही है और हम लफंगई और गुंडई की बात कर रहे हैं। ये देश को कहां लेके जा रही है भारतीय जनता पार्टी?